नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एंडी और आप देख रहे हैं बीइंग देसी। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जिनका नाम है, ये खुद ही बताएंगे, प्रिंस चंद्रा। तो आप लोग में से कई लोग शायद मुझे जानते हो, जो नहीं जानते तो मेरा नाम है प्रिंस। मैं बेसिकली एक टेक्नोलॉजी चैनल चलाता हूँ, तो आप लोगों को लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, डाल दोगे ना भाई? जरूर भाई, जरूर। ठीक है, तो वो सो गाइज, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम जितने भी स्ट्रगलिंग यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स का एक क्वेश्चन रहता है कि रिव्यू यूनिट्स कैसे लें, स्पॉन्सरशिप्स कैसे लें, तो उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो इस वीडियो में हमारी हेल्प करने वाले हैं प्रिंस चंद्रा, क्योंकि ये खुद बहुत सारे गैजेट्स रिव्यू करते हैं, तो इनको अच्छी खासी नॉलेज है, तो ये भी हमारी हेल्प करेंगे इस वीडियो में। तो अगर आप भी इस टॉपिक के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं कंपनीज के कॉन्टैक्ट्स की, कि कैसे कंपनीज के कॉन्टैक्ट्स आते हैं। तो इस पॉइंट को मैं क्लियर कर दूं कि गाइस, कोई भी कंपनी आपको खुद कॉन्टैक्ट, जब आप स्टार्टिंग लेवल्स में होते हैं तो कोई नहीं करती। अगर आपका एक सब्सक्राइबर है, 50 सब्सक्राइबर्स हैं, 100, 500 सब्सक्राइबर्स हैं, तो इवन अब 2000 सब्सक्राइबर्स तक भी एक्सपेक्ट मत करो कि कोई कंपनी आपको कॉन्टैक्ट करेगी। आपको मिनिमम 5000 सब्सक्राइबर, 5000 या 3000 तो चाहिए, एक बेस चाहिए 3000 से 5000 सब्सक्राइबर का, तो आप उन्हें कॉन्टैक्ट खुद भी कर सकते हो, तो वो रिप्लाई दे देंगे। एंड जरूरी नहीं है कि आपके 3000 या 5000 हो गए तो आपको रिव्यू मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, पॉजिटिव वे में रिप्लाई दें, ऐसा जरूरी नहीं। और आप स्टार्टिंग में, मैं आपको सजेस्ट करूंगा ऐसे रिव्यू यूनिट्स के लिए जाएं जैसे यूएसबी केबल होती है, पावर बैंक्स होते हैं, तो आप ऐसी चीज़ें रिव्यू करने के लिए आप अप्रोच कर सकते हैं कंपनीज को, तो वो लोग आपको ऐसी चीज़ें दे सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली कोई महंगी चीज़ के लिए मांगोगे, डिमांड करोगे, तो ऑब्वियसली बात है कोई भी आपको इतनी आसानी से सपोर्ट नहीं करने वाला, अनटिल एंड अनलेस आपके पास एक स्ट्रॉन्ग बेस होगा। मैं अभी, मेरे पास मेरे चैनल पर है 260,000 सब्सक्राइबर्स के आसपास, और अभी तक मुझे सभी रिव्यू यूनिट्स नहीं आते, सारी कंपनियाँ मुझे रिव्यू यूनिट्स नहीं भेजती, तो मैं काफ़ी ज़्यादा जो मैं प्रोडक्ट्स रिव्यू करता हूँ वो मैं खुद परचेज करता हूँ, या फिर अदरवाइज थोड़े बहुत रिव्यू यूनिट्स आते हैं जैसे स्मार्ट वॉच की तरह। तो जैसे अभी मैंने इस वॉच का रिव्यू करा था अपने चैनल पे, तो आप लोगों ने शायद देख लिया होगा, नहीं देखा तो आप लोग देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके। तो इस तरह की चीज़ें रिव्यू यूनिट के लिए आपको, रिव्यू के लिए आती हैं, तो आप इन्हें रिव्यू कर सकते हैं। ओके, सो गाइज, एक पॉइंट मैं आपको और क्लियर करवा दूं कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमारे 3000 या 5000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए तो हमें रिव्यू यूनिट्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, तो उसके पीछे भी कंपनीज की अपनी बहुत सारी डिमांड्स होती हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस वो मैं आपको क्लियर करवा देता हूं। अगर आप इंग्लिश चैनल है तो आपको बहुत आसानी होगी वो रिव्यू यूनिट्स मिलने में, क्योंकि रिव्यू यूनिट्स इंग्लिश चैनल्स को काफ़ी जल्दी मिल जाते हैं एंड बहुत ज़्यादा मिलते हैं एंड बड़ी क्वांटिटीज़ में मिलते हैं। लेकिन अगर आपका हिंदी चैनल है एंड कंटेंट भी, रिव्यू यूनिट्स आपको मिलेंगे अगर आपके पास एक बेस है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगे, मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे, लेकिन इंग्लिश कंटेंट होना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप हिंदी कंटेंट भी बनाते हैं तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपके कंटेंट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, अगर आपके 3000 सब्सक्राइबर्स हैं, 5000 सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूज़ आपके 300-400 भी नॉर्मल आ जाते हैं, तो आपको ज़रूर कंपनीज रिव्यू यूनिट्स भिजवाने लग जाएंगी। आप शुरुआत में उम्मीद ना करें कि आपको क्वाडकॉप्टर आने वाला है $200 का, ऐसा कोई भी डिमांड ना करें $500 की, $200 स्मार्टफोन आने वाला है, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ ना सोचें। आपको शुरुआत में मे भी एक छोटी सी स्मार्ट वॉच, और मैं तो कहूँगा जब तक आपके 10,000 सब्सक्राइबर्स नहीं हो जाते आप रिव्यू यूनिट्स के बारे में सोचो ही नहीं, क्योंकि गाइस अगर आप यूट्यूब पर आए हैं तो मैं तो ये भी नहीं सोचता कि आप अपने एडसेंस के बारे में भी ज़्यादा क्वेश्चंस रखो। देखो, अगर आप कंपनी को कोई वैल्यू प्रोवाइड करा रहे हो तब वो आपके लिए और कंपनी के लिए एक इक्वल सिचुएशन होगी, क्योंकि कंपनी को एक फ़ायदा मिल रहा है, उनका प्रोडक्ट जो है वो प्रमोट हो रहा है आपके थ्रू, और आपको वो प्रोडक्ट मिल रहा है रिव्यू करने के लिए, उसके बाद शायद आपको रखने के लिए भी मिल जाए। लेकिन सब कंपनियां आपको रखने नहीं देती रिव्यू यूनिट, वो वापस जाते हैं, वो कंपनियां वापस बुला लेती हैं रिव्यू यूनिट, तो वो चीज़ आप स्टार्टिंग में ही डिसाइड कर सकते हैं जब भी आपकी बात होती है कंपनी से, तो वो चीज़ भी एक ध्यान में रखिए, क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि ये तो प्रोडक्ट्स रिव्यू करता है, गैजेट रिव्यू करता है, मोबाइल रिव्यू करता है, तो इसमें बहुत से फ़ोन्स होंगे, ऐसा नहीं है, सारे फ़ोन्स वापस चले जाते हैं। लेकिन कई बार कंपनी उस चीज़ के लिए उन्हें पे करती हैं कि आप वो चीज़ हमें वापस कर दीजिए, लेकिन हम आपको उस चीज़ के लिए, पर्टिकुलर रिव्यू के लिए हम आपको पैसे देंगे। लेकिन बहुत से लोग फिर उसको ये सोचने लग जाते हैं कि वो उनके बिहाफ में रिव्यू गया है। मैं आपको रिवील कर दूं कि जैसे हमने इनफोकस की वीडियोस बनाई है, मैंने भी, प्रिंस ने भी, वो जो कंपनी ने हमें यूनिट्स भेजी थी उनके लिए हमें पे करे गए थे, हमें कुछ अमाउंट पे करा गया था, वो हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते। लेकिन गाइस, आप जो रिव्यूज़ हैं उनको ध्यान से देखना, उनमें कहीं भी कंपनी की बढ़ाई नहीं हुई है, जो चीज़ की हमने सीधी बताई है, तो ऐसा
मेरे को उस फोन की दो तीन चीजें पसंद नहीं आई थी, मैंने सीधा बोला नहीं पसंद आई, कचरा है बिल्कुल, जो चीजें सही में अच्छी नहीं, कैमरा अच्छा नहीं था, तो हमने सीधा बोला कि फोन का कैमरा अच्छा नहीं है, तो इससे कंपनी को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होनी, क्योंकि हम स्टार्टिंग में बोल देते, क्योंकि देखो ऐसा होता है, मतलब हम स्टार्टिंग में जब भी आपको रिव्यू यूनिट के लिए डिमांड आती है तो आप लोग स्टार्टिंग में चूज कर सकते हैं, कंपनी आपसे जरूर बोलेगी, ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो चाहे कि उनके प्रोडक्ट के बारे में बेकार बोला जाए। तो गाइस अब बातें घुमानी बंद करते हैं, अब मैं आपको बताता हूँ कि कंपनी के जो पीआर हैंडल्स होते हैं वो कहाँ से लें। देखो गाइस अगर आप छोटे लेवल पर हैं तो सबसे अच्छा जरिया तो आपके लिए hunter.io होगा, वहाँ पे जो भी कंपनी है कंपनी डालिए, जैसे gearbest.com हो गया, bango.com हो गया, ये दोनों हाँ ईमेल हंटर पे डालिए, hunter.io वेबसाइट है, तो वहाँ पर अगर आप डालेंगे तो वहाँ पर आपको बहुत सारी ईमेल्स आ जाएंगी, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी लोगों के ईमेल्स आए, आप BCC करके सबको मेल भेज दीजिए, मेल सबको भेज दीजिए, एंड कहीं ना कहीं आप उम्मीद लगा सकते हैं कि आपको एक रिप्लाई मिल सकता है अगर कंपनी आपका जो रिव्यू यूनिट्स हैं वो प्रोवाइड करवाने में इंटरेस्टेड है, क्योंकि कोई भी ऐसी कंपनी नहीं होती जो अपने मेल्स को रीड नहीं करती, क्योंकि उन्हें भी अपना बिजनेस चलाना है एंड बिजनेस ऐसे ही चलते हैं। ऐसा है, अगर आपको किसी कंपनी का कोई प्रोडक्ट बहुत पसंद आ गया, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये वॉच है, आप ये वॉच ही ले लीजिए, आपको ये वॉच बहुत पसंद आई और ये वॉच बनाई है नंबर वन कंपनी ने, अब आप नंबर वन की वेब, अगर आपको ईमेल हंटर से अगर आपने जो एंडी भाई ने तरीका बताया उस तरीके से आपको रिप्लाई नहीं मिल रहा है, तो आप ये ट्राई कर सकते हैं आप नंबर वन की वेबसाइट पे चले जाए, नंबर वन की वेबसाइट पे आप सबसे नीचे जाएंगे तो वहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं, एक तो आप फीडबैक दे सकते हैं वेबसाइट को, दूसरा कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन होता है, कॉन्टैक्ट अस के ऑप्शन में जाए वहाँ पे एक ईमेल दी होती है, हर वेबसाइट अपना ईमेल देती है ताकि आप उन्हें कॉन्टैक्ट कर पाए, तो वहाँ पे कई वेबसाइट्स अलग अलग जो पार्टीशंस होते हैं वो डिवाइड होते हैं कि मीडिया को अगर आपको कॉन्टैक्ट करना है तो आप इस ईमेल पे ईमेल भेजिए, आपको अगर कोई प्रोडक्ट के बारे में क्वेरी है तो आप इस ईमेल पे ईमेल भेजिए, अगर आपके पास कोई भी और टेक्निकल इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप इस पर्टिकुलर ईमेल पे हमें मेल कीजिए, तो आप मीडिया वाले सेक्शन में जाइए, मीडिया का जो भी पीआर हो, जो भी ईमेल होगा मीडिया का, उस पर आप मेल कीजिए तो आपको रिप्लाई मिल जाएगा, होपफुली मिल जाएगा। अब गाइस ऐसे में ऐसी बहुत सारी साइट्स हैं, अगर आप ईमेल्स ढूंढना पसंद नहीं करते, आपके ईमेल्स के रिप्लाई नहीं आते, तो ऐसी बहुत सारी साइट्स हैं जिनसे आपको रिव्यू यूनिट्स मिल सकते हैं, लाइक फेसबिट हो गई, आपका एक्सपर्ट्स हो गया, अलीबाबा का खुद का kol.alibaba है, kol.alibaba.com, तो उससे आप अली एक्सप्रेस के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको कर सकते हैं, लाइक मेरा जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने ब्लिट्स वुल्फ के ईयरफोन्स का रिव्यू करा था तो वो मेरे को वहाँ से मिले थे, तो बहुत सारी साइट्स हैं, ज़्यादातर तो आपको ऐसी साइट्स मिल जाएंगी क्योंकि इन साइट्स में आपको बहुत ज़्यादा वैरायटी मिल जाती है, क्योंकि ये साइट्स पे क्या होता है यहाँ पे आपको ग्लोबल प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं और वहाँ के ट्रेडिशनल चाइनीज प्रोडक्ट्स जो कंपनियाँ लोकली सेल करती हैं उस वेबसाइट्स पे वो मिल जाते हैं, तो क्या होता है वहाँ पे वो कंपनियाँ चाहती हैं कि उनके ये प्रोडक्ट्स दूसरी कंट्रीज में भी लोग खरीदें, और सबसे अच्छा तरीका है उन्हें प्रमोट कराने का रिव्यूअर्स, तो रिव्यूअर्स को वो रीच करते हैं, उनकी तरफ जाते हैं, रिव्यूअर्स को मेल करते हैं, वो खुद से मेल करते हैं अगर आप एक अच्छा बेस सब्सक्राइबर बेस आपके पास होगा। लेकिन गाइस एक चीज़ और है, अगर आप रिव्यू यूनिट्स के लिए सोच रहे हैं तो एक तरीका और है, आप अमेजोन से चीजें खरीद सकते हैं एंड बाद में आप कभी ना कभी उनको या तो सेल कर सकते हैं, ये काफी अच्छी चीज है, या फिर आप उन्हें रिटर्न भी कर सकते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं अच्छा फायदा है और आपको अच्छे जो इससे अगर आपकी वीडियोस चल रही हैं तो आप ऐसे कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन गाइस बहुत सारे लोग होते हैं जो इसमें भी इन्वेस्टमेंट करने से डरते हैं एंड पैसे भी नहीं होते बहुत से लोगों के पास इन्वेस्ट करने के लिए, तो उनके लिए यही तरीका कि मेहनत करते रहिए, एक टाइम आएगा जब आपको खुद जो कंपनीज हैं वो इन्फ्लुएंसर्स को पोक करती हैं, वो उनसे पूछती हैं कि क्या आप हमारे प्रोडक्ट्स का रिव्यू करेंगे, तो गाइज आप उसी टाइम का इंतजार करें, अगर आपको कोई कंट्री कंपनी कोई अगर आपको रिवर्ट कर रही है आपके मेल्स का तो सबसे अच्छी बात है। मैंने गाइज खुद जब मेरे 17,000 सब्सक्राइबर्स थे तब मैं बहुत मेल्स करा करता था स्मार्टफोन कंपनीज को एंड बहुत सारी छोटी मोटी कंपनीज को भी, तो कभी रिवर्ट्स आते थे कभी नहीं आते थे, तो इसका मतलब ये नहीं है हम हार मान लें और टेंशन में आए, हमें जो हमारा मेन मोटिव है वो वीडियो बनाना है, लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है एंड वही आप करते रहिए, आप रिव्यू यूनिट्स के चक्कर में भी मत पड़िए, आपको खुद जब कंपनीज स्टार्ट करने लग जाए आपको एक भी कंपनी का मेल आ जाए कि आप हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनका रिव्यू करिए, तब आप समझ लीजिए कि आप लायक हो गए हो किसी भी प्रोडक्ट का रिव्यू करने के लिए, कंपनीज में आपको कुछ मटेरियल दिखता है, तो यही है। तो कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आपको क्लियर करने होंगे अभी, अगर आप ये सोच रहे हैं मैंने कल चैनल बनाया एंड आज मैं कंपनी को, अगर आप इस तरीके से सोचेंगे कि मैंने आज चैनल बनाया और मैंने चैनल बनाई सिर्फ रिव्यू यूनिट्स के लिए रहा हूं, तो इतना 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 मत सोचिए, वीडियो बनाओ, अच्छा सब्सक्राइबर बेस एक गेन कर लो, उसके बाद आपको रिव्यू यूनिट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, और ये बहुत छोटी इतना कोई बड़ा इशू नहीं है, जो अभी बहुत जाने माने रिव्यूअर्स हैं जिनका मेनली काम रिव्यू ही बनाना है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट्स का रिव्यू करते हैं, इतना बड़ा कोई इशू नहीं है, आपको रिव्यू यूनिट्स मिलेंगे और काफी अच्छी अच्छी क्वांटिटी में आपको रिव्यू अनबॉक्सिंग है। बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो वीडियोस बनाते हैं, तो जरूरी नहीं है कि उन्होंने भी शुरुआत में सिर्फ और सिर्फ
ऐसे प्रोडक्ट्स लिए हों, कंपनीज ने उनको बोला हो कि आप चैनल बनाइए, हम आपको प्रोडक्ट सेंड करेंगे, शुरुआत में खुद से ही प्रोडक्ट खरीदने पड़ते हैं। एंड मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप टेक्निकल वीडियोस बनाइए, आपको अच्छे लोग मिलेंगे, आपको अच्छा कंटेंट अगर आप देते रहेंगे लोगों को, अच्छी क्वालिटी का कंटेंट, तो आपके सब्सक्राइबर्स भी आएंगे, एंड सब्सक्राइबर्स आएंगे तो रिव्यू तो आपको मिलेगी। तो दोस्तों यही है, बस मेहनत करो, एक अच्छा सब्सक्राइबर गेन बेस, एक अच्छा सब्सक्राइबर बेस गेन करो, उसके बाद आप लोगों को कंपनियाँ खुद मैसेज करेंगी, ईमेल करेंगी, और आप वहां से उनसे बात कर सकते हैं जो भी आपकी पार्टनरशिप। बहुत तरीके होते हैं कंपनीज को भी कांटेक्ट करने के, सिर्फ मेल ही नहीं है उनका। और सबसे अच्छा तरीका इन्होंने बता ही दिया कि आप वहां से ईमेल हंटर से जाके वेबसाइट पर ढूंढ सकते हो। लेकिन गाइस, अगर आपको किसी कंपनी का ईमेल चाहिए तो आप उनकी खुद की वेबसाइट से, ऑफिशियल वेबसाइट से ले सकते हो। तो दोस्तों आई गेस आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे रिव्यू यूनिट्स के बारे में। तो ये वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी, तो जाने से पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर करना। तो सबसे पहली चीज, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मेरे चैनल को भी चेकआउट कर लेगा, आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे चैनल की सबसे ऊपर लिंक मिल जाएगी, तो चैनल को चेकआउट कर देना। मैं भी टेक्नोलॉजी वीडियोस बनाता हूँ, रैंडी भाई आपके लिए काफी अच्छी नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहते हैं। तो दोस्तों आई होप आप सभी को वीडियो काफी पसंद आई होगी। तो गाइज इसी के साथ वीडियो को जरूर लाइक करना, एंड इस वीडियो को जितना ज्यादा आप अपने यूट्यूबर फेलोज के साथ शेयर कर सके उनको शेयर करना। बहुत से लोग इस प्रॉब्लम में रहते हैं कि रिव्यू यूनिट्स नहीं मिल रहे, तो कहीं ना कहीं उनके डाउट्स क्लियर हो जाए, उनको हेल्प मिल जाए। इसी के साथ मिलते हैं आगे बढ़ना। हाँ, एक मिलेंगे ऐसे एक और एक्साइटिंग वीडियो पे, और एक और अच्छी चर्चा पर, अच्छी एक्सप्लेनेशन पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।